लोकसभा चुनाव के लिए मंडी जिला प्रभारी नियुक्त भाजपा प्रदेश महामंत्री राम सिंह ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और लोकसभा चुनाव में पार्टी को देश भर से 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र न केवल गाँव व गरीब के हक में है बल्कि शहर के विकास और आम आदमी के विकास की बात करता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता से पूरा विश्व प्रभावित है। उनके नेतृत्व में देश में विकास ने गति पकड़ी है और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा का माहौल भी बना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिलने का आभास हो रहा है। राम सिंह ने दावा किया कि हिमाचल में 400 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और पूरे देश में जीती गई सीटों का आंकड़ा 400 से पार चला जाएगा। व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने शुरू की, उससे पूर्ण विश्वास है कि जो कल संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2022 में देश को आजाद होने के बाद 75 वर्ष पूरे होंगे और उसमें 75 जो पत्र जो किया कि भाई हम इसमें 75 योजनाओं को वो करेंगे, जैसे किसान के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, और कुल मिलाकर जो ये बजट था गांव और गरीब के लिए, शहर और शरीफ के लिए, ये संकल्प पत्र जो था, और उसमें सबसे बड़ी बात कि भाई हमारे देश की लगभग 90% के आबादी जो है वो गांव में रहती है, किसान है, बागवान है, और देश के आजादी के बाद 70 वर्षों में आपने देखा होगा, और पहली बार जो किसान के लिए उन्होंने किया कि छोटे किसान और सीमांत किसान लगभग 2 हेक्टेयर 25 बीघा, और मुझे लगता है कि हिमाचल में तो उसमें 90 से 95% लोग ही आ जाएंगे 25 बीघे के कम से, क्योंकि इससे ज्यादा जमीन वो 5 या 10% के पास होगी, लगभग हर व्यक्ति जो है वो लघु और सीमांत किसान है।